वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं स्पाइडर प्लांट्स के बारे में। स्पाइडर प्लांट्स जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और हर घर में ये आमतौर पर पाया जाता है। ये प्लांट अक्सर हैंगिंग बास्केट्स या हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर बहुत सुंदर दिखता है और इसको सबसे सुंदर बनाने वाली चीज़ होती है इसके अंदर लटकने वाले रनर्स। जी हाँ, जैसे ही ये प्लांट कुछ पुराना हो जाता है इसमें से रनर्स निकलने लगते हैं जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये प्लांट अक्सर कड़ी धूप को नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में या पार्शियली शेडेड एरिया में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। ये बहुत ही सुंदर इसके अंदर फूल भी आते हैं। जी हाँ, स्पाइडर प्लांट के अंदर फूल भी आते हैं। ये देखिए, ये जो फूल आपको दिख रहा है ये 6 पेटल फ्लावर है जो कि इस पेरेनियल प्लांट में बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये प्लांट के अंदर ये देखिए, ये जो हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसे हम कहते हैं रनर्स। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम इस प्लांट को इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये नेचर का तरीका होता है। ये रनर्स पेड़ में से लटकते हैं, लटक करके मिट्टी को टच होते हैं और मिट्टी को टच होकर के उसके अंदर से जड़ें बनने लग जाती हैं जो कि इसको प्रोपोगेट करने का 100% सक्सेस वाला तरीका है। वही हम इस वीडियो में आज करने जाने वाले हैं। यही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रनर्स के थ्रू इस प्लांट को प्रोपोगेट करें और वो भी 100% सक्सेस रेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे इस प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है। इसे प्रोपोगेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसे किसी ऊंचाई वाली जगह पर रखें। जैसे देख रहे हैं आप, गमले के नीचे मैंने एक छोटा सा पॉट लगा के रखा हुआ है जिससे कि हमने इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची करके रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके पास में, इस स्पाइडर प्लांट के गमले के पास में एक और गमला रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक और गमला स्पाइडर प्लांट के पास में रख दिया है। इसके अंदर मैंने नॉर्मल मिट्टी ही डाली है, गार्डन सॉइल ही डाली है। ये देखिए, ये अरेंजमेंट आपको इस तरीके से दिखेगा जिसके अंदर स्पाइडर प्लांट की हाइट थोड़ी सी ऊपर रहेगी और जिस प्लांट के अंदर, जिस पॉट के अंदर आप इसे लगाना चाहेंगे वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की फटाफट। हम सॉइल मिक्स के अंदर यूजुअली हम अगर 60% गार्डन सॉइल रखें और 20% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट डाल दें तो वो बेस्ट होता है। हालांकि जो आप देख रहे हैं ये परलाइट और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है जिसके अंदर मैं स्पाइडर प्लांट को प्रोपोगेट करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये स्पाइडर प्लांट का जो रनर है उस रनर को उठा करके हम इस मिट्टी के अंदर रखेंगे। यही नेचुरल तरीका है जिससे कि इसके अंदर रूटिंग डेवलप की जा सकती है। लोग क्या करते हैं, इस रनर को डायरेक्ट काट करके मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, वो भी सक्सेसफुल होता है लेकिन उसमें फेलियर के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, हम इस रनर को मिट्टी के अंदर अच्छे से टच करेंगे, देन स्टेम के ऊपर हम छोटा सा पत्थर रखेंगे जिससे कि ये मेक श्योर हो सके कि ये रनर हवा के चलते या पानी के चलते अपनी जगह से ना हिले। अब वो पत्थर रखते वक्त हमें थोड़ी सावधानी के साथ उसे रखना है इस तरीके से कि हम पत्तियों को डैमेज ना करें, हम उस स्टेम को डैमेज ना करें। और हमारा जो उद्देश्य है कि ये जो रनर है ये मिट्टी में 24 घंटे टच रहे वो हमको देखना है बस। अब इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी हम उस स्टेम के पास में लगाएंगे और उसे भरपूर पानी देंगे। जी हाँ, उसे आपको इतना पानी देना है कि वो मिट्टी ड्राई ना रहे, तभी वहाँ पर रूटिंग चालू होती है। ठीक है, अब इस जी हाँ देखिए, अब इसमें पानी डाल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि पूरी मिट्टी अच्छे से वेट है, मॉइस्ट है और ये मॉइस्ट रहेगी तभी इसके अंदर अच्छे से रूटिंग हो पाएगी। अब सीधे मैं आपको 10 दिन के बाद का अपडेट दिखाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर अच्छी रूट्स डेवलप हो रही हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं सीधे 10 दिन के बाद। खुशनुमा मौसम में आज 10 दिन बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे स्पाइडर प्लांट का रिज़ल्ट क्या रहा। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन पहले हमने इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी थी। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कुछ रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं। सावधानी से पत्थर हटाया, हटाने के बाद में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर रूट्स फॉर्म है कि नहीं। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये थोड़ा, जी हाँ ये हुआ है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रूटिंग हो चुकी है। अब वो रूट्स कैसी हैं वो हम देखने की ज़रा कोशिश करते हैं। ये पत्तों को थोड़ा सा ऊपर करके देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, इसके अंदर रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। रुकिए, थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा तभी आपको क्लियर दिए। देखिए ये देखिए, जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये रूट है, ये न्यूली फॉर्म रूट है। जी देख रहे हैं कितनी सुंदर, कितनी थिक रूट इसके अंदर फॉर्म हुई है। ये देखिए, थोड़ा मैंने जूम किया है और क्लियर। ये देखिए, ये जो वाइट कलर की मोटी सी रूट देख रहे हैं ये
इसकी नेचुरल रूट डेवलप हो चुकी है। अब हमें इस प्लांट को मेन प्लांट से या मदर प्लांट से सेपरेट करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अब हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा प्लांट ज़िंदा रहेगा। जिस तरीके से बच्चे का जन्म होने के बाद हम उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड या उसकी प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, वैसे ही अब हम इस मदर प्लांट से इस छोटे प्लांट को अलग करने जा रहे हैं। देखिए नेचर, अब इस स्टेम की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें हमारा इंडिपेंडेंट स्पाइडर प्लांट का पौधा मिल चुका है, तो अब हमें इस प्लांट को नर्सरी से ख़रीद कर आने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लांट से हम खूब सारे प्लांट्स बना सकते हैं, खूब सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। अब तैयार है आपके पास आपका खुद का अलग अपना नया स्पाइडर प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्यून इन रहें इसी तरीके के नए और अलग अलग तरीके के नेचर के वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ आपका फ्रेंड डॉक्टर दत्त कुठलकर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।